प्रेम मंत्र। प्रेम के बारे में आपका क्या कहना है? क्या बिना शर्त प्रेम जैसी कोई चीज होती है? क्या यह दो इंसानों के बीच सचमुच हो सकता है? ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक दिन शंकरन पिल्लई एक पार्क में गए। उन्होंने पत्थर की एक बेंच पर एक सुंदर युवती को बैठे देखा। वे भी उसी बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनटों के बाद वे उसके पास आ गए। वह दूर खिसक गई। उन्होंने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर उस युवती के और पास आ गए। वह फिर से दूर खिसक गई। जब उन्होंने फिर ऐसा किया तो वह बेंच के बिल्कुल किनारे पर आ गई। वे उसके एकदम करीब आ गए और अपनी बांह उसके गले में डाल दी। युवती ने उनका हाथ धकेल दिया। तब वे घुटनों के बल बैठ गए, एक फूल तोड़ा और उसे युवती को देते हुए कहा, आई लव यू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना मैंने अपने जीवन में आज तक कभी किसी से नहीं किया। सूरज डूब रहा था, उनके हाथ में फूल था। उन्होंने उसे प्रेम याचना की दृष्टि से देखा। सबसे बढ़कर माहौल बिल्कुल सही था। वह पिघल गई। उसके बाद प्रकृति ने अपना रंग दिखाया और दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। शाम रात में गहरा गई। शंकरन पिल्ले अचानक उठ खड़े हुए और बोले, रात के 8 बज गए हैं, मुझे जाना होगा। वह बोली, क्या अभी? तुमने तो अभी कहा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जितना किसी और से नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। आमतौर पर हम उन दायरों में रिश्ते बनाते हैं जो हमारे लिए आरामदेह और फायदेमंद होते हैं। लोगों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक जरूरतें पूरी करनी होती है। इन जरूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों से यह कहना, आई लव यू। यह तथाकथित प्रेम का एक मंत्र बन गया है। कुल जासिम से इसे बोलकर आप जो चाहे पा सकते हैं। प्रेम एक गुण है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना हो। हम जो कुछ भी करते हैं वह किसी न किसी रूप में कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए होता है। अगर आप यह समझ जाते हैं तो संभव है कि आपके अंदर प्रेम एक स्वाभाविक गुण की तरह उपजे। लेकिन आप खुद को यह विश्वास दिलाने का धोखा दे सकते हैं कि आपने जिन रिश्तों को अपनी सुविधा, आराम और खुशहाली के लिए बनाया है वे असल में प्रेम के रिश्ते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि उन रिश्तों में प्रेम का अनुभव बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वह कुछ हद तक ही होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार प्रेम की घोषणा की गई है। अगर कुछ उम्मीदें और जरूरतें पूरी नहीं हुई तो चीजें बिखर जाएंगी। यह वास्तव में परस्पर लाभ योजना बन गया है। शर्तों पर प्रेम और शर्त रहित प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती। शर्तें होती हैं या प्रेम होता है। आप जब प्रेम की बात करते हैं तो इसे बिना शर्त का ही होना चाहिए। जिस पल कोई शर्त आ जाती है उसी पल यह बस लेन देन बन जाता है। हो सकता है कि यह सुविधाजनक लेन देन हो सकता है कि यह एक अच्छा इंतजाम हो, लेकिन वह आपको तृप्ति नहीं देगा या वह आपको एक दूसरे आयाम में नहीं ले जाएगा। वह बस सुविधा के लिए होता है। प्रेम का सुविधाजनक होना जरूरी नहीं है। ज्यादातर समय यह सुविधाजनक नहीं होता। इसकी कीमत जीवन से चुकानी पड़ती है। आपको इसमें खुद को दे देना होता है। अगर आपको प्रेम में होना है तो आपको होना नहीं चाहिए। अंग्रेजी की कहावत फॉलिंग इन लव बहुत सटीक है। आप प्रेम में चढ़ते नहीं हैं, आप प्रेम में खड़े नहीं रहते, आप प्रेम में उड़ते नहीं हैं, आप प्रेम में गिरते हैं। आपका कुछ ना कुछ गिरना चाहिए या पिघल जाना चाहिए ताकि दूसरे के लिए जगह बन सके। लेन देन और प्रेम संबंध में अंतर होता है। जरूरी नहीं कि प्रेम संबंध किसी खास इंसान से हो। आप जीवन के साथ ही शानदार प्रेम संबंध रख सकते हैं। आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते यह आपके आसपास के हालात के अनुसार होता है। हमारे क्रियाकलाप हमेशा बाहरी परिस्थितियों की मांग के मुताबिक होते हैं, लेकिन प्रेम एक आंतरिक अवस्था है। आप अपने भीतर कैसे हैं वह निश्चय ही बिना शर्त का हो सकता है। प्रेम के क्रियाकलाप समय के साथ उबाऊ और तनावपूर्ण बन सकते हैं। आपको एहसास होना चाहिए कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। प्रेम आपके होने का तरीका है। साधना। प्रेम कभी दो लोगों के बीच नहीं होता, यह आपके भीतर होता है और आपकी आंतरिकता को किसी दूसरे व्यक्ति या चीज का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। इसे 15 मिनट के लिए आजमा कर देखिए। जाकर किसी ऐसी चीज के साथ बैठिए जिसके आपके लिए कोई मायने नहीं है। यह एक पेड़ हो सकता है या एक पत्थर या एक कीड़ा। कुछ दिनों तक इसे लगातार कीजिए
कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आप उसे भी उतने ही प्रेम से देख सकते हैं जितना कि आप अपने पति या पत्नी या माँ या बच्चे को देखते हैं। शायद उस कीड़े को इसका पता ना हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर चीज को प्रेम से देख सकते हैं तो आपके अनुभव में सारी दुनिया खूबसूरत हो जाती है। भक्ति एक अनूठा आयाम। अधिकतर लोग सावधानी से जीते हैं। वे अपने प्रेम और खुशी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तोल कर बाहर लाते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं ये खत्म न हो जाए। जीवन जीने का सबसे उदार तरीका है अपने जीवन को सारी सीमाओं से परे चरम पर जीना, ताकि वह सारी दुनिया के सामने मिसाल बन जाए। अगर आप इतना कंजूस हैं कि आप पूरी तरह से न तो प्रेम कर सकते हैं, न खुलकर हंस सकते हैं और न ही भरपूर जी सकते हैं, तो आप अव्वल दर्जे के कंजूस मक्खी चूस हैं। भक्ति का मतलब है कि आप कंजूस नहीं हैं, आप जूस से भरे हैं। भक्त वह व्यक्ति है जो जीवन को जितना हो सके अधिक से अधिक अनुभव करना और खोजना चाहता है। भक्ति जीवन की चीरफाड़ नहीं है, बल्कि यह पूर्ण रूप से समावेश करना है। भक्ति प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि यह बावलापन है। प्रेम खुद ही दीवाना होता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत अकलमंदी बची रहती है। आप उससे फिर भी लौट सकते हैं। भक्ति में अकलमंदी का लेश मात्र भी नहीं होता, उससे बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। भक्तों के पास जीवन का मधुरतम अनुभव होता है। हर कोई सोच सकता है कि वे मूर्ख हैं, लेकिन वे धरती पर सबसे अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। अब आप ही तय कीजिए कि मूर्ख कौन है। जब मैं कहता हूँ भक्ति, तो मैं श्रद्धा या विश्वास की बात नहीं करता। विश्वास बस नैतिकता की तरह है। जो लोग किसी चीज में विश्वास करते हैं, उन्हें अक्सर लगता है कि वे दूसरों से बेहतर हैं। जिस पल आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो बस इतना ही होता है कि आपकी मूर्खता को आत्मविश्वास हासिल हो जाता है। आत्मविश्वास और मूर्खता का मेल बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन आम तौर पर ये साथ साथ होते हैं। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू करते हैं, तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि आप जो जानते हैं वह इतना कम है कि आत्मविश्वास के साथ काम करने का कोई तरीका नहीं है। विश्वास इस समस्या को दूर कर देता है। यह आपको जबरदस्त आत्मविश्वास दे देता है, लेकिन आपकी मूर्खता का इलाज नहीं करता। भक्ति कोई क्रियाकलाप नहीं है, यह किसी एक या दूसरी चीज के प्रति नहीं होती। भक्ति किसके प्रति है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना ही है कि भक्ति में आप अपने भीतर सारे विरोध विसर्जित कर देते हैं, ताकि चैतन्य सांसों की तरह आसानी से बह सके। ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो वहां ऊपर बैठा हो। वह आपके जीवन में हर पल मौजूद एक जीवंत शक्ति है। भक्ति आपको उसके प्रति जागरूक बनाती है। एक बार की बात है, एक कैथोलिक परिवार के घर में परिवार का मुखिया रात के खाने के वक्त टेबल पर आया, खाने की तरफ देखा और हमेशा की तरह भुनभुनाया और अपनी पत्नी और आसपास की हर चीज को कोसने लगा। जब कोसना पूरा हुआ और सब अपनी जगह पर बैठ गए, तब वह भी बैठा और प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर, आज के भोजन और टेबल पर मौजूद सारी शानदार चीजों के लिए धन्यवाद। वहाँ 5 साल की एक लड़की नम्रता से बैठी हुई थी। आपने देखा होगा कि 5 साल के बच्चों के लिए हमेशा एक तकिया या कुशन कुर्सी पर रखा जाता है, ताकि वे टेबल तक पहुंच सके, लेकिन फिर भी वे प्लेट तक वाकई कभी नहीं पहुंच सकते। तो उस 5 साल की लड़की ने, जिसकी गर्दन तक टेबल थी, सिर ऊंचा करके कहा, डैडी, क्या ईश्वर हमेशा हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? उसके अंदर का ईसाईपन तुरंत जाग उठा और उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं वह हमेशा उन्हें सुनता है। तब वह लड़की कुर्सी में थोड़ा और नीचे धंस गई, क्योंकि वह विचारों में डूब गई थी। कुछ देर बाद उसने सिर निकाल कर कहा, लेकिन डैडी, क्या वह दूसरी बातें भी सुनता है जो हम कहते हैं? हाँ, हमारे जीवन के हर पल ईश्वर हर चीज को सुन और देख रहे हैं जो हम कहते हैं और करते हैं। तब वह फिर थोड़ा और नीचे हुई और पूछा, डैडी, तब वह किन बातों पर विश्वास करते हैं? मुझे बताइए, भगवान को किस पर विश्वास करना चाहिए, आपकी प्रार्थना पर या आपकी गालियों पर? वह जरूर पूरी तरह से भ्रमित हो गया होगा, उसने हार मान ली होगी, क्योंकि हम जीवन के सबसे सूक्ष्म पहलुओं को भी व्यवस्थित या संस्थागत बना देते हैं। इसीलिए अचानक हर चीज अपनी जीवन तक खो देती है और बेजान हो जाती है। हर किसी के मुंह से वही शब्द तोते की तरह बोले जाते हैं, लेकिन उनके कोई मायने नहीं रह जाते।
जब हम ऐसी कोई चीज कहते हैं जिसके हमारे लिए कोई मायने नहीं होते, जो हमारे भीतर वाकई आग की तरह नहीं जलती, तो यह झूठ बोलने के समान है। तब चुप रहना वास्तव में बेहतर होगा। हम हमेशा उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक या आदर्श मानते हैं। जब किसी ने 2000 साल पहले कुछ उसी तरह की चीज कही तो वह उसके लिए कारगर हुई, क्योंकि उसके हृदय में उसके लिए ज्वाला थी। वह उस सत्य की वजह से कारगर हुई जो उसके भीतर प्रज्वलित था, ना कि उसके बोले हुए शब्दों की वजह से।